हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक प्यारा सा प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो आज के टाइम में बहुत डिमांड पे चल रहा है, क्योंकि इस वाले प्रोजेक्ट में अफोर्डेबल से कम रेट में अपने को फ्लैट मिल जाते हैं। ठीक है, अफोर्डेबल से बेहतरीन आपको इसमें एमिनिटीज़ मिल जाती हैं। बहुत से आप लोगों ने अफोर्डेबल देखे होंगे जिसमें आपको कार पार्किंग भी नहीं मिलती है, पार्क भी नहीं मिलते हैं, और उनका रेट आज के टाइम में, जो रेडी टू मूव की बात कर रहा हूँ, जो आज के टाइम में 60 लाख 65 लाख रुपए ऐसे रेट चल रहे हैं। ठीक है, तो अफोर्डेबल से काफ़ी सस्ते रेट में आप लोगों के लिए चीज़ लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे 20 मिनट में कवर्ड कार पार्किंग मिल जाती है, एंड लगभग 3 एकड़ की एरिया में आपको ग्रीन पार्क मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये एक न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और 7 फ्लोर की बिल्डिंग है। ठीक है, तो 7 फ्लोर की बिल्डिंग आप समझ सकते हो मेंटेन करने में भी काफ़ी अच्छी रहती है, एंड लेआउट भी इस प्रोजेक्ट का है, बिल्डर ने काफ़ी बेटर बना रखा है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट की, एपेक्स बिल्डर ने अपना सेक्टर 37C में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। ठीक है, उसी का एक्सटेंशन इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे। ये जो आपको दिख रहा है सामने, इनका ये पहला प्रोजेक्ट पहले से ही बना हुआ था। बैक साइड में इनके पास ये लैंड पड़ी थी, तो उन्होंने एक्सटेंशन बना दिया इसका। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस लैंड पे, इन्होंने 2 ब्लॉकों में अपने ये टावर बनाए हुए हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ब्लॉक ए में जो इनकी प्योर 2 BHK के साइज आ जाते हैं, जिसकी अगर मैं एरिया की बात करूँ टोटल एरिया 1100 स्क्वायर फिट की आती है। सेम अपना ब्लॉक बी में इन्होंने 2+ स्टडी, एक तरीके का 3 BHK का साइज निकल के आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, वो भी उसका भी साइज 1100 स्क्वायर फिट का है। ठीक है, तो 2 ब्लॉकों में साइज सेम निकाले हुए हैं, जिसमें अपने को स्टिल्ट में कम्युनिटी हॉल वगैरह, बच्चों के खेलने के लिए एक्टिविटीज़ वगैरह, वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। ठीक है, और इधर साइड अपने को पार्क वगैरह, जो ग्रीन पार्क बता रहा था मैं 3 एकड़ में, वो मिल जाती हैं। एंड इसमें एक आपको कवर्ड कार पार्किंग मिल जाती है। एंड अगर मैं इसकी फ्लैट की स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, तो एक टावर में इन्होंने एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट बना रखे हैं। ठीक है, जिसमें आपको 2 लिफ्ट मिलेंगी, 2 स्टेयर्स मिलेंगी। ठीक है, अब मैं अगर फ्लैट की बात कर लूँ, तो ऑल फ्लैट्स में किचन का काम करा के दे रहे हैं, मतलब एक तरीके की मॉडलर किचन बोल सकते हो इसे। ठीक है, ऑल रूम्स में आपको वुडन फ्लोरिंग का काम करा के दे रहे हैं। तो ये सारी आपको चीज़ें अफोर्डेबल से सस्ते रेट में मिल जाती हैं। रेट के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, क्योंकि अफोर्डेबल से कम में बताया है, तो इसका मतलब आप जान सकते हो आज के टाइम में जो रेडी टू मूव आ रहे हैं उससे कम में ही होगा। ठीक है, बाकी अगर मैं इस सेक्टर की बात करूँ, तो 37C सेक्टर बहुत ही प्यारा सेक्टर है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बसावट है, काफ़ी हाई राइज प्रोजेक्ट हैं, एम्पीरिया बिल्डर की काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे, सिग्नेचर ने भी अपने अफोर्डेबल 1-2 बना रखे हैं। ठीक है, बाकी 1 किलोमीटर की रेडियस में आपको स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज़ अपने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो कनेक्टिविटी इज़ वेरी गुड, लोकेशन बहुत ही प्राइम है इसकी, क्योंकि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही सस्ते रेट में ये आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। 7 फ्लोर की बिल्डिंग, अपार्टमेंट, कवर्ड कार पार्किंग, मॉडलर किचन, ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। बाकी मेरे ख्याल से जिन लोगों का बजट 50 लाख 55 लाख 60 लाख रुपए का रेंज में जिनका बजट है, तो वो लोग इस प्रोजेक्ट को ज़रूर देखने आएँ, क्योंकि उन लोगों के बजट में भी चीज़ आ जाती है और ये प्रोजेक्ट भी उनको समझ आ जाएगा। ज़्यादा हाई राइज भी नहीं है, जिन लोगों को हाई राइज में जाने की समस्या होती है, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी बेटर है। ठीक है, बाकी नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, कोई भी क्वायरी हो विजिट के लिए या फिर रेट्स के लिए, लेआउट्स के लिए, आप मुझे कॉल कर सकते हो। बाकी जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करने के लिए आए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी मैं छोटी बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपॉर्चुनिटी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।